दोस्तों फाइनली वीवो ने आज इंडिया में अपने न्यू स्मार्टफोन वीवो T3 5G को लॉन्च कर दिया है, जहां से ऑफिशियली इसके स्पेसिफिकेशन, यहां पे हमें क्या कुछ प्राइसिंग देखने को मिलते हैं, क्या कुछ बैंक ऑफर्स देखने को मिलते हैं, बैंक ऑफर्स में हमें कौन से कार्ड अप्लाई करने हैं, एक्सचेंज वैल्यू कितना का देखने को मिलता है, हम इस स्मार्टफोन को कब से और कहाँ से परचेज कर सकते हैं, सारी जानकारी बाहर निकल कर आ चुकी है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आपके 20,000 रुपये कीमती है, मेहनत कमाई के हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस वाला फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पे 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट लाकर दिया गया है। तो डिस्प्ले में हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, डिस्प्ले अच्छी यूज करी गई है। एंड सामने की तरफ जो है पंच होल भी दे दिया गया है, जहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लाकर दिया गया है। वीवो में हमेशा शिकायत करता था कि भाई वीवो पंच होल पे शिफ्ट करो, वाटर ड्रॉप से हटो, और वीवो ने अच्छा काम करा, इस बार वाटर ड्रॉप ना देकर पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड करा है, अच्छी बात है। जो कि अब दोस्तों बैक की तरफ जो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको सोनी का IMX882 वाला कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ये स्मार्टफोन जो आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में देखने को मिलता है। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, जो कि बोके शॉट्स क्लिक करेगा, जो कि यूजलेस होता है। एंड थर्ड जो यहाँ पे आपको फ्लिकर लेंस लगा कर दिया गया है, जो कि यूजलेस होता है। तो हमें मान कर ये चलना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ में। इसके अलावा हमें कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता है। सेकेंडरी एंड थर्ड कैमरा जो है यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। 5000mAh की बैटरी यहाँ पे रखी गई है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। एंड यहाँ पे जो आपको 44W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट हूँ, वीवो को यहाँ पे 66W का देना चाहिए था तो काफी ज्यादा मजा आ जाता, बट नहीं, 44W का ही चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। खैर यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करा गया है, मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 7200 चिपसेट दिया गया है। जिस प्राइस पे आ रहे उस प्राइस पे काफी पावरफुल चिपसेट है। एंड हाँ दोस्तों, ये चिपसेट है ये 5G मॉडम को सपोर्ट करता है, जिसके कारण ये स्मार्टफोन जो है 5G बन जाता है। एंड यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एमोलेड डिस्प्ले यूज करा गया है, उसका भरपूर फायदा उठाया जाएगा। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। 3.5mm जैक भी देखने को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, जी हाँ, 3.5mm जैक यहाँ से मिसिंग है। एंड यहाँ पे आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है, तो या तो आप 2 सिम लगा सकते हो या फिर 1 सिम के साथ साथ आप SD कार्ड लगाकर एक एंजॉय कर सकते हो। एंड इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन जो है फंटच OS 14 पे रन करता है, जो कि आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 2+3 का अपडेट देखने को मिलेगा, मतलब एंड्रॉइड 16 तक के अपडेट देखने को मिलेंगे और 3 साल के जो आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। तो ये रही स्पेक्स की कहानी वीवो T3 5G की। अब अगर मैं आपसे इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूं, तो इंडियन मार्केट में आपको ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो इसका बेस वेरिएंट है वो लॉन्च करा गया है 8GB RAM + 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 19999, मतलब 20,000 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 8+256, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 21999, यानी 22,000 रुपये। बट दोस्तों अगर आप HDFC या फिर SBI का कार्ड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन पर जो आपको 2,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसके बाद जिसको इफेक्टिव प्राइस है वो बन जाती है 18,000 रुपये और 20,000 रुपये। और दोस्तों जो मैंने आपको एक्सचेंज बताया कि यहाँ पे जो है आपको ऑफर देखने को मिल रहे हैं 2,000 का ऑफ, अगर आप वो अप्लाई कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो अगर आप कोई फ़ोन एक्सचेंज कर लेना चाहते हो तो फ़ोन एक्सचेंज करके भी लोगे तो 2,000 का ऑफ देखने को मिलेगा। तो बैंक कार्ड्स ऑफर में अप्लाई कर सकते हो या फिर एक्सचेंज अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हो, 2,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। दोनों एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हो, अप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी बेस्ट वेरिएंट की प्राइसिंग बन जाती है यहाँ पे ऑफर लगाने के बाद 18,000 रुपये। अब दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को कब से परचेज कर सकते हो, तो आप इस स्मार्टफोन को जो है 27th of March, जी हाँ दोस्तों 27 मार्च से जाकर दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट के ऊपर परचेज कर सकते हो। तो ऑफिशियली इसके लिए अवेलेबल हो जाएगा 27th of March से। अब दोस्तों आप लोग भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुके हो गए अब कि हमें वीवो T3 5G लेना चाहिए या फिर IQ Z9 5G लेना चाहिए। अगर अभी भी कन्फ्यूज हो प्राइसिंग बाहर आने के बाद, और अगर आप अभी तक भी वीडियो देखना चाहते हो कि भाई एक वीडियो लेकर आऊँ मैं वीवो T3 5G वर्सेज IQ Z9 5G के ऊपर, दोनों को कंपेयर वीडियो करके लेकर आऊँ, तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ भैया मुझे वीवो T3 5G वर्सेज IQ Z9 5G का वीडियो देखना है, तो थोड़ी देर में मैं आपके सामने वो वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा। जैसे आपके कमेंट्स मुझे मिलना शुरू हो जाएंगे उस टाइम से मैं इस वीडियो पर काम करना शुरू कर दूँगा। तो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि हाँ भाई वीडियो चाहिए हमें कंपैरिजन वीडियो। तो बस खैर यही सब जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था वीवो T3 5G से रिगार्डिंग। अब बात आती है कि क्या हमें स्मार्टफोन लेना चाहिए,
तो हाँ मैं इसको स्मार्टफोन को रिकमेंड करता हूँ, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन फिर जो लोग कन्फ्यूज हैं वीवो T3 5G या फिर iQOO G9 5G में, वो वेट कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब आज ही वीडियो आ जाएगा। ऐसे भी फोन तो आप परचेज कर नहीं पाओगे, 27 तारीख से परचेज करना है, तो थोड़ा वेट कर लो, हमारी वो वीडियो भी आ जाएगी अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको वीवो T3 5G लेना है या फिर iQOO G9 5G लेना है। बट हाँ फिलहाल के लिए यही सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था वीवो T3 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।